हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेंजर्स के एपिसोड 29। तो दोस्तों, बस बैठो, वीडियो के मजे लो। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो दोस्तों, चैप्टर 29 के पहले ही पेज में हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने बेड पर आराम से सो रहा होता है, तभी उसे सपने में अचानक से कोको की बात याद आती है, जहाँ पे कोको कहता है कि आखिर ये तुमान का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर उसे इनूपी की बात याद आती है, जहाँ पे इनूपी कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर उसे ताइजू की याद आती है, और ये सब सोच के ताकेमिची की आँखें अचानक से खुल जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद ताकेमिची अपनी नींद से जाग जाता है और वो काजुटोरा की बात याद करता है, जहाँ पे काजुटोरा कहता है कि हाकाई ने अपने पिछले ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर को मार दिया था और उसके बाद वो खुद लीडर बन गया। फिर ताकेमिची अपने मन में सोचता है कि अब मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि काजुटोरा ने जो फ्यूचर में कहा था वो सही है कि नहीं। इसका मतलब कि हाकाई अब ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर बनने वाला है और वो तोमान के साथ जुड़ने वाला है। तभी ताकेमिची को हकाई की बात याद आती है, जहाँ पे हकाई कहता है कि मुझे और भी काम निपटाने हैं ब्लैक ड्रैगन्स में। ताकेमिची कहता है कि क्या इसका मतलब हकाई सच में अपने बड़े भाई ताइजू को मार के ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर बनने वाला है, और आखिर में ये सब उसी फ्यूचर की तरफ जाएगा जो फ्यूचर मैंने देखा है। तो इसका मतलब मुझे हकाई को उसके बड़े भाई को मारने से रोकना है। पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि भले ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर ताइजू हो या फिर हकाई, वो गैंग बेकार ही रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लीडर ही बेकार है। तो उसका लीडर हकाई बने या ताइजू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब मुझे ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई करनी होगी अकेले। पर ये तो नामुमकिन है, अब आखिर मैं करूँ क्या? पहले की साखी, अब ब्लैक ड्रैगन्स। तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, पर रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है। पर मैं रास्ता ढूंढ के रहूँगा, और मैं अकेला हूँ जो ये कर सकता हूँ। मुझे ये बोझ अपने ही कंधों पे लेना होगा, मैं इस बोझ को किसी और के कंधों पे नहीं डाल सकता। मुझे ये करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि आकर वहाँ पे रहता है और कहता है कि हे, तुम अपने मनी मन क्या बड़बड़ा रहे हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो चश्मिश कहता है कि हे क्रीपी मिच्ची, आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, हाँ आखिर तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो, और तुम लोग यहाँ पे आए कैसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक बंदा कहता है कि बेवकूफ़, तुम हमारे कैप्टन हो, कुछ तो अपने अंदर बदलाव लाओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची का दूसरा दोस्त कहता है, तुम हमेशा से इसी तरह बेवकूफ़ थे, है ना। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि हम, इसका मतलब तुम सबने भी तोमान ज्वाइन कर लिया है क्या। फिर आकान कहता है कि हाँ, हमने भी तोमान ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चिफ्यू कहता है कि तुम्हें तो इन सबको बुलाया था। फिर उसके बाद ताकेमिची थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद चिफ्यू कहता है कि हे, तुम आखिर ऐसे रुक क्यों गए। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ओह, कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगले पेज में हम देखते हैं कि आकान कहता है कि अब हम कुछ भी कर ले, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ब्लैक ड्रैगन्स बैलेंस बिगाड़ के रहेगी। फिर चश्मिश कहता है कि हाँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। और उसके बाद ताकेमिची का दूसरा दोस्त भी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस चीज़ में कैप्टन भी इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची का एक और दोस्त कहता है कि ताकेमिची अब तोमान का एक कैप्टन है, और तोमान के पास अब वलहला की भी ताकत है, और ब्लैक ड्रैगन्स ने तोमान के एक कैप्टन को मारा है। एक लड़ाई को छेड़ने के लिए ये वजह काफ़ी है। फिर चिफ्यू कहता है कि अगर हमने सच में ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की, तो इस बार ये हमारी सारी लड़ाइयों से अलग होने वाला है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स अपनी लड़ाई के लिए जानी जाती है, और वो एक किलर स्क्वाड के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स कई जनरेशन से कांटो रीजन की टॉप गैंग है, और जो 10th जनरेशन है ब्लैक ड्रैगन्स की, वो सबसे ज़्यादा खूंखार और भयानक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची के दोस्त शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, सबसे ज़्यादा खूंखार और भयानक। फिर चिफ्यू कहता है कि हाँ, और ये सिर्फ एक ही बंदे की वजह से हुआ है, ताइजू शिबा, ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर। फिर उसके बाद चिफ्यू हमें कुछ बताता है कि तोमान और ब्लैक ड्रैगन्स के बीच में ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तोमान इसीलिए बनी थी ताकि वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ सके। 2 साल पहले काजुटोरा कन ने लड़ाई की थी ब्लैक ड्रैगन्स के साथ,
और काजुटो राकन की मदद करने के लिए ही तोमान को बनाया गया था। और उसके बाद तोमान ने रातों रात ब्लैक ड्रैगन्स की धज्जियाँ उड़ा दी और इसके साथ तोमान एक बहुत ही फेमस गैंग बन गया। फिर उसके बाद आकन कहता है कि क्या बात है, इसीलिए तो तोमान तोमान है। और उसके बाद वो चश्मिश कहता है कि इसका मतलब कि ये लड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है हमारे लिए, है ना। फिर चिफू कहता है कि नहीं बेवकूफ़, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। तोमान ने 9th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन्स को हराया था, पर इस बार सब कुछ अलग है। अब तक तो ब्लैक ड्रैगन गैंग नामो निशान से भी हट चुकी होती, लेकिन इस गैंग को जिसने जोड़ के रखा वो और कोई नहीं, ताइजू शिबा था। उसने ब्लैक ड्रैगन्स को अपने अंदर बदला और उनके नए यूनिफॉर्म्स लाए, उन्हें एक आर्मी की तरह ट्रेन किया और उस गैंग को एक गैंग बनाया। फिर उसके बाद वो चश्मिश कहता है कि क्या बात है, इसका मतलब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा औसम है। तभी ताकेमिची का दूसरा दोस्त कहता है कि लेकिन वो नई यूनिफॉर्म हर एक ब्लैक ड्रैगन्स के बंदे के लिए बनाने को उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे होंगे, आखिर इतना सारा टन में पैसा वो लाया कहाँ से होगा। फिर उसका एक दोस्त कहता है कि हाँ, वो हमसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि हाँ, वो हमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, पर वो और लोगों की तरह नहीं है। ताइजू अपनी ताकत को बेचता है, वो अपनी मिलिट्री फोर्स दूसरों को भेजकर उनकी मदद करता है और उनसे पैसे लेता है। फिर उसके बाद वो चश्मिश कहता है कि इसका मतलब कि वो पैसे के लिए लड़ाई करता है। फिर उसके बाद ताकेमिची के दोस्त कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसके काम तो ऐसे हैं कि जैसे ये किसी और दुनिया में ही रहता है। फिर उसके बाद ताकेमिची अपने मन में सोचता है कि क्या पैसे के लिए, ये तो बिल्कुल फ्यूचर वाले ब्लैक ड्रैगन्स की तरह है, तो इसका मतलब कि मुझे उनसे लड़ाई करनी होगी। फिर उसके बाद चिफुयो बताता है कि कैसे भी जो करंट ब्लैक ड्रैगन्स हैं वो 9th जनरेशन से पूरी तरह अलग हैं, अगर तोमान ने उनसे लड़ाई की तो आकन कहता है कि कुछ बुरा हो सकता है ना। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि चुप हो जाओ तुम सबको लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सारे दोस्त कहते हैं ताकेमिची के क्या। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये मेरे और ब्लैक ड्रैगन्स के बीच की बात है, तोमान का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम सब, मैं इससे अकेले निपटाने वाला हूँ। फिर उसके सारे दोस्त कहते हैं क्या, तुम अकेले निपटाओगे खुद से। फिर ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना दोस्तों, पर ये मेरी लड़ाई है। फिर चिफू कहता है हे ताकेमिची, मेरे साथ जल्दी से बाहर आओ। ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर हम देखते हैं कि चिफू और ताकेमिची एक बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद चिफू कहता है कितनी अच्छी बाइक है ना, ये बाजी सान ने मुझे अपनी याद में दी थी। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि चिफू मैं समझा, तुम मुझे ये कहने जा रहे हो कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं मेरी मदद करने के लिए, है ना, पर मैं जिस फ्यूचर से निकल के आया हूँ और जो फ्यूचर मैंने अपनी आँखों से देखा है वो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक है। मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो कि मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए हैं आकन, और तुम दोनों फ्यूचर में मरने वाले हो, इस वजह से मुझे अकेले करना होगा। फिर चिफो कहता है कि हे मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए यहाँ बाहर नहीं बुलाया है। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर चिफो कहता है कि बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस समय के साथ मज़े उठाओ दोस्त। फिर ताकेमिची कहता है कि चिफू कहता है कि बाजी सान ने तोमान को तुम्हारे कंधों पे इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम बोझ के साथ जियो दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर बाजी सान इस समय यहाँ पे होते तो वो तुम पे बहुत गुस्सा करते समझे, बेवकूफ़ कहेंगे। ताकेमिची कहता है चिफू तुम। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि ताकेमिची चिफू को कुछ ऐसी बात बताता है जो सुन के मैं काफ़ी शॉक हो गया था। चिफू कहता है कि क्या, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फ्यूचर से आए हो ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि मेरा मतलब था कि फिर ताकेमिची कहता है कि अब मैं इस चीज़ को रोक नहीं सकता, मुझे चिफू को सब कुछ बताना ही होगा। फिर उसके बाद ताकेमिची चिफू को सब कुछ बताता है कि कैसे वो उस दिन आया था, उसने तोमान को ज्वाइन किया हीना को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए, और कैसे वो 12 साल बाद के ब्लैक ड्रैगन से मिला, और 12 साल बाद वाले चिफू नाउटो किस्सा की हर एक चीज़ के बारे में वो बता देता है चिफू को, लेकिन उसे इस चीज़ को किसी के सामने भी लाना नहीं था, लेकिन ताकेमिची ने वो सारे टाइम लैप्स की चीज़ें चिफू को बता दी। और ये सब इसलिए ताकेमिची किसी को नहीं बता सकता था क्योंकि ताकेमिची को नहीं पता कि ये फ्यूचर में कैसे इफ़ेक्ट करेंगी,
और चिफुयो जो कि फ्यूचर में मर चुका है, उसने वह सारी चीज़ें चिफुयो को बता दी। उसने एक बेवकूफ़ी कर दी। ऐसा ताकेमिची को अपने मन में लग रहा था। फिर ताकेमिची कहता है चिफुयो से कि 12 साल के बीच में ये सब कुछ हुआ है चिफुयो। फिर चिफुयो कहता है कि क्या इसका मतलब है कि मैं किसाकी के हाथों मरने वाला हूँ, है ना। फिर ताकेमिची अपने मन में सोचता है कि शिट यार, मैंने सब कुछ बोल दिया, मैंने सारी चीज़ों का राज खोल दिया, क्या मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अब क्या होने वाला है। तो चिफुयो कहता है कि तो मैं अब मरने वाला हूँ, है ना। फिर ताकेमिची कहता है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारी फिरकी ले रहा था यार, तुम इतना सीरियस कहाँ लेके चले गए। फिर उसके बाद चिफुयो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में आ जाता है और कहता है कि किसी ना किसी वजह से मुझे हमेशा से पता था ताकेमिची, अगर मैं हर बार के बारे में सोचूं तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि तुम सबसे अलग दिखते थे ताकेमिची, और तुम कुछ चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा डेस्परेट हो जाते थे। फिर ताकेमिची कहता है कि वो तो बस। फिर चिफुयो कहता है कि उस दिन वलहला की लड़ाई से पहले तुमने बाजी सान को कहा था कि बाजी सान मरना मत, मैं तुम दोनों से दूर खड़ा था, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैंने ये चॉइस सुनी थी। मैंने बाकी सारी चीज़ें तो नहीं सुनी कि तुम दोनों ने क्या बात किया, लेकिन मैंने अपने कानों से ये ज़रूर सुना कि तुमने कहा कि बाजी सान मरना मत। इसका मतलब कि तुम्हें पता था ताकेमिची कि बाजी सान मरने वाले हैं ना, और इस वजह से तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट थे उन्हें बचाने के लिए। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ, मैं ये सब जानता था, पर मैं फिर भी ये सब होने से रोक नहीं पाया, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फिर चिफुयो कहता है कि दोस्त, तुम सच में कमाल के हो ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर चिफुयो कहता है कि तुम अब तक इन सारी चीज़ों से अकेले लड़ रहे थे, कोई तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा था, कोई तुम्हें बढ़ावा नहीं दे रहा था, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, पर फिर भी तुमने उन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और तुम बस लड़ते रहे अपने आप से। ताकेमिची, अपने आप के ऊपर तुम्हें गर्व होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चीज़ के रिजल्ट्स कैसे आए। फिर ताकेमिची अपने मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चिफुयो कहता है कि कोई तुम्हें शाबाशी नहीं देगा इस चीज़ के लिए जो तुम कर रहे हो, पर फिर भी तुम ये सब कर रहे हो ताकेमिची, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ सच में ताकेमिची, सच में। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि इसका मतलब तुम भरोसा करते हो जो भी मैंने कहा, क्या तुम्हें ये सब बिल्कुल बकवास नहीं लगता है मैंने जो भी कुछ भी तुमसे कहा। फिर चिफुयो कहता है कि हाँ बेवकूफ़, मुझे ये सब बकवास लगता है, लेकिन हम पार्टनर्स हैं, है ना ताकेमिची। फिर ताकेमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैंने ये सब चिफुयो को बता के गलती नहीं की, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा राइट चॉइस, सबसे ज़्यादा सही चीज़ करी। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। फिर चिफुयो कहता है कि सच में तुम्हारे आंसू काफ़ी मोटे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जाते हैं कुछ नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि चिफुयो को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि किसाकी मुझे सच में मारने वाला है फ्यूचर में, हाँ क्या तुम्हें भी थोड़ा चाहिए ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ ज़रूर। फिर चिफुयो कहता है कि जो फ्यूचर तुमने मुझे बताया, ये फ्यूचर मुझे गुस्सा तो ज़रूर दिला रहा है, तो इसका मतलब कि किसाकी सच में बाजी सान का दुश्मन था हमेशा से। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैंने खुद किसाकी के मुंह से सुना है फ्यूचर से। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि मैं उस बास्टर्ड को जान से मार दूंगा, पर अभी नहीं, वक्त आने पे, क्योंकि अब वो 3rd डिवीज़न का कमांडर है और 100 लोग उसके अंदर काम करते हैं, और अभी हाल ही में एक 6th डिवीज़न बना है जिसके अंदर सारे वलहला के मेंबर्स रहते हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि इसके बदले तुम सिर्फ अभी 1st डिवीज़न के कमांडर बने हो, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए ताकेमिची, पर अब तुम्हें पता है ताकेमिची, मैं काफ़ी ज़्यादा जोश में हूँ। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि ताकेमिची, तुम 1st डिवीज़न को एक अनबीटेबल गैंग बनाने वाले हो जिसे कोई कभी हरा नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा दोस्त, तुमने 0 से शुरू किया था, पर अब जानते हो तुम कि तुम ये सब कर सकते हो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे सामने ब्लैक ड्रैगन्स है या किसाकी, मैं तुम्हारे साथ इस चीज़ के अंत तक रहूँगा दोस्त, और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ बताया है ना।
चलो इस चीज़ को कर दिखाए। फिर ताकेमे से कहता है कि चिफुयू बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हम ये ज़रूर करके दिखाएंगे पार्टनर। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है हे क्या तुमने मेरी सारी रामेन खा ली। फिर उसके बाद ताकेमे कहता है कि हाँ क्योंकि तुमने मुझे खाने के लिए दिया था। फिर चिफुयू कहता है कि बेवकूफ़ तुम्हें वो एक बाइट के बाद मुझे वापस देना चाहिए था। फिर ताकेमे कहता है कि हैं ये क्या बात हुई आखिर। फिर उसके ठीक दो दिन बाद तोमान के सारे लीडर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद माइकी कहता है कि अंदर आओ। फिर उसके बाद ड्राकन कहता है कि ठीक है तो अब सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि आ जाओ ताकेमे जी हाकाई। फिर उसके बाद ड्राकन कहता है कि जैसा कि तुम सबको पता है कि ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर ताइजू शिवा ने हमारे फर्स्ट डिवीजन के कमांडर ताकेमे को मारा है और ये साफ साफ एक जंग का ऐलान है ब्लैक ड्रैगन्स की तरफ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्माइली कहता है कि तुम सब कितने ज़्यादा बेकार हो ब्लैक ड्रैगन्स में, तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिफ्थ डिवीजन का कमांडर कहता है कि हमने ब्लैक ड्रैगन्स को पहले भी हरा रखा है ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है। फिर मित्सुया कहता है कि पर हमने 9th जनरेशन को हराया था और 10th जनरेशन वो पूरी तरह से अलग है समझे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्माइली कहता है कि तुम एक पॉइंट भूल रहे हो दोस्तों कि हकाई ये सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि ताकेमिची को पता नहीं था वो एरिया ब्लैक ड्रैगन्स का है, तो आखिर तुम उसे वहाँ पे क्यों लेके गए। फिर उसके बाद फिफ्थ डिवीजन का कैप्टन गुस्से में जाकर कहता है हे हकाई क्या तुम ब्लैक ड्रैगन्स की तरफ से यहाँ पे एक स्पाई बन के आए हो हाँ। फिर उसके बाद स्माइली कहता है कि हाँ तुम उनके लीडर के छोटे भाई हो क्यों है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ डिवीजन का कमांडर कहता है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई थी है ना। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हे तुम सब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ हकाई तो बस। अभी फिफ्थ डिवीजन का कमांडर कहता है ताकेमिची से हे तुम चुप हो जाओ। फिर ताकेमिची को चिफुयू की बात याद आती है जहाँ पे चिफुयू कहता है कि सुनो ताकेमिची आज से ठीक दो दिन बाद जब तोमान की एडमिन की मीटिंग होगी तो उसमें हकाई खुद तोमान को छोड़ने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो वही फ्यूचर सामने आएगा जिस फ्यूचर के बारे में तुमने मुझे बताया, तो इसे रोकने के लिए हमें हकाई को तोमान को छोड़ने से रोकना होगा। फिर ताकेमिची कहता है कि पर आखिर हम ये करेंगे कैसे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ अच्छा हुआ इस चीज़ का प्लान मैंने और चिफुयू ने उसे दिन बना लिया था। फिर हम देखते हैं कि करंट में हकाई कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए कोई बहाने नहीं बनाने वाला हूँ, इस चीज़ के लिए तुम सब चाहे मुझसे नफरत करो और चाहे मुझे मारो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं उस बंदे का छोटा भाई होने का पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि तो लीडर मैं हकाई शिबा टोक्यो मांजी गैंग का सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन आपसे तोमान को छोड़ने की परमिशन मांगना चाहता हूँ। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि हे मित्सुया क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है कि वहीं पर रुक जाओ मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। फिर हकाई कहता है ताकेमिची। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची दोबारा से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर वो और चिफुयू की बात चल रही थी। फिर वो कहता है कि पर आखिर मैं हकाई को तोमान को छोड़ने से रोकूंगा कैसे। फिर चिफुयू कहता है कि इस चीज़ के लिए मेरे पास एक प्लान है दोस्त और सबसे पहले हम लगाने वाले हैं प्लान ए। तो दोस्तों प्लान ए क्या होने वाला है वो तो आपको पता चलेगा अगले ही एपिसोड में क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे ये एपिसोड आगे भी है पर काफ़ी बड़ा बन चुका था वीडियो, इस वजह से मैंने आगे के कुछ पेजेस कवर नहीं करे, तो वो हम अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे क्योंकि अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो इतना तो रुक ही सकते हो यार। और देख लो भाई तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है, आज तो दो वीडियो भी डाल दिया यार, तो कुछ तो कर ही सकते हो ना, थोड़ा सा हेल्प बस। चलो अच्छा जो भी है तुम्हारा मन करे तो कर देना, सब्सक्राइब ना मन करे तो मत करना। मिलते हैं पार्ट 30 में, तब तक के लिए बाय बाय।